जो जिनको डॉक्टर ने मना कर दिया था, जो लाइलाज बीमारी में मुब्तला थे, कैंसर के कई जो मरीज है, और आप जो है नौ इमाम की पुश्तों में से आते हैं। जो भी आता है यहाँ से चरागे पंजतन लेके जाता है और अपनी जो भी मुरादे है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम शेख, आप सभी का दिल से खैर मकदम उछाने वाली करामात औलिया पर। मेरे साथ में आशीष भाई जान है और हम इस वक्त पौनी में, और पौनी में अल्हम्दुलिल्लाह हमको अल्लाह की वली की एक कदीमी बारगाह मुबारक की सलामी का ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ। जैसे कि आप बारगाह मुबारक आप हमारे सामने देख सकते हैं, बाबा जान का जो नाम है हज़रत सुल्तान सैयद अली चांदशवली बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, आपका नाम मुबारक है। तो नाज़रीन आइए चलते, मैं आप लोगों को बाबा जान के दरबार की और मज़ार मुबारक की ज़ियारत करवाता हूँ, और उसके बाद में जो यहाँ के ज़िम्मेदारान हैं उनसे मुलाकात करके बाबा जान के बारे में हम कुछ मुख्तसर सी मालूमात हासिल करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को नाज़रीन पूरा ज़रूर देखिएगा और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो हज़रात किसी मजबूरी की वजह से ज़ियारत को आ नहीं सकते तो उन्हें घर बैठे ज़ियारत का शर्फ हासिल हो जाए। ज़ाहिरीन अभी हम दरबार शरीफ के ज़िम्मेदारान सैयद अहफाज अली साहब के मकान में आए हैं और इनसे दरबार के ताल्लुकात से, हज़रत के ताल्लुकात से मुख्तसर सी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करके आपके सामने पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। और खैरियत से हज़रत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हुई हज़रत आपसे मिलकर जी। और हम जानना चाहेंगे जिस मकसद से आप तक हम पहुँचे हैं कि जो दरबार शरीफ है जहाँ की आप ज़ियारत करके आए हैं, उस दरबार के ताल्लुकात से और हजरत बाबा सैयद चांदशवली रहमतुल्लाह अलैह इनके ताल्लुकात से एक जो जानकारी है हमारे व्यूअर्स से आप दें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलात वस्सलाम अला सैयदिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद, फाऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आप जिस आस्थाने पे पहुंचे हैं वो हस्ती हजरत का नाम सैयद अली चांदशाह वली है जी। आप चांदशाह के नाम से मशहूर हुए जी। आपका नाम सैयद अली जी, और आप जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से, हजरत इमाम हुसैन से लेकर जी जो है आप तक आप तीसवीं पीढ़ी है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप तीसवीं पीढ़ी है, और आप जो है नौ इमाम की पुश्तों में से आते हैं। नौ इमाम यानी इमाम अली आली मकाम अलैहि सलाम, इमाम हुसैन अलैहि सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम जाफ़र अल सादिक, इमाम बाकिर, इमाम मूसा अल काज़िम, इमाम अली अल रज़ा, इमाम अली अल जव्वाद, इमाम अली अल हादी अल नकी की पुश्तों में से आपकी नस्ल है, और आप बहुत ही मशहूर व मारूफ वली हजरत सुल्तान सैयद सिराजुद्दीन शाह आलम बुखारी अहमदाबाद शरीफ, उनकी नस्लों में से उनके सातवें नंबर के बेटे सैयद मिसरी बुखारी उनकी औलादों में से आपका नसब है। तो आप जो है सैयद सुल्तान अली चांदशाह वली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका सिलसिला जो है नसब, सिलसिला नसब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर तीसवीं पीढ़ी में मिल जाता है, और आप जो है जिन्होंने नागपुर शहर बसाया राजा भक्त बुलंद शाह गोंड राजा, हाँ गोंड राजा, तो आप जो है उनको राहे रास्त पे सिरात मुस्तकीम दिखाने में आपके बहुत सारे किरदारात उनमें शामिल है, और आपके ही दस्ते बैत पर राजा गुण राजा जो है भक्त बुलंद शाह उन्होंने ईमान लाए जी। तो आप हजरत के चिल्ले कई मिल जाएंगे आपको पूरे महाराष्ट्र के अंदर, स्पेशली विदर्भ रीजन में, विदर्भ रीजन में सबसे ज्यादा आपके जहाँ जा रहा भक्त बुलंद शाह के जो किले है वहाँ पर आपको इनके चिल्ले मिल जाएंगे, किले वाले हजरत हाँ इन्हें किले वाले हजरत भी कहा जाता है, और बहुत सारी जगह जो है इनके चिल्ले हैं जी।
जहाँ उर्स होता है, मजारात जैसे नुमा बना है, इनके चिल्ले हैं, और जहाँ जहाँ किले हैं वहाँ इनके चिल्ले तो है ही, और आप जो है उनका ओरिजिनल मजार पौनी के अंदर में जी। और हम उन्हीं के भाई के खानदान से, सैयद आलम बुखारी के, हम सैयद आलम बुखारी के पड़पोतों में से जी। उनके बड़े भाई सैयद आलम बुखारी, उनके पड़पोतों में से हम, और सैयद चांचावली बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हयात जिंदगी के बारे में मुझे उतना तो नहीं पता जी। सिर्फ इतना पता है कि वो जो है राजा बख्त बुलंद शाह के मातहत होते थे, और उनके जहाँ जहाँ किले बन तामीर होते थे वहाँ चिल्ला करते थे, और वहाँ की जो है रियाया को आप जी दरसो तदरीस किया करते थे। और उसके बाद जो है आपके यहाँ अभी की करामत मैं बता दूं कि 500-600 किलोमीटर 800 यानी इलाहाबाद तक के यहाँ लोग आते, इलाहाबाद हो गया अपना लहसुई कोतमा जो अनूपपुर जिले में पड़ता है, डिंडोरी मंडला, इधर से जो है यहाँ जायरीन आते हैं, हाँ एमपी से, और बहुत दूर दूर से जायरीन आते हैं, यूपी वगैरह से भी आते हैं। तो जो भी आता है यहाँ, यहाँ से चरागे पंजतन लेके आता, लेके जाता है, और अपनी जो भी मुरादे है, जो भी उनकी तकालीफ है जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह उससे दूर होती है माशाल्लाह। और वो जो जिनको डॉक्टर ने मना कर दिया था, जो ला इलाज बीमारी में मुब्तला थे, कैंसर के कई जो मरीज है यहाँ शिफा पा चुके अल्हम्दुलिल्लाह चिरागे पंजतन से। और यहाँ जो यहाँ के सज्जादा नशीन सैयद लियाकत अली बुखारी साहब जो है वो उनको चिरागे पंजतन देते हैं, और वो दुआ करते हैं हजरत की बारगाह में, हजरत से इल्तिजा करते, तो लोग फैज भी पाते हैं। और इनका उर्स 23-24-25 जिलहिज्जा को होता है, 23-24-25 जिलहिज्जा यानी बकरी ईद वाला महीना उसमें होता है, और आपकी आपके उर्स में दूर दूर से जायरीन तशरीफ लाते हैं, नागपुर से, भंडारा से, अपना एमपी से, यूपी से, छत्तीसगढ़ से, बिलासपुर, रायपुर, सब ये जगह से जायरीन तशरीफ लाते हैं। और 3 दिन का उर्स होता है, जिसमें पहले दिन गुस्ल किया जाता है, परचम कुशाई होती है, और दूसरे दिन जो है लंगर तकसीम किया जाता है जी, और उसी दिन महफिल समा होती है, महफिल सीमा होती है, फिर महफिल सीमा के बाद तीसरे दिन कुल की फातिहा होती है। तो ये तीनों दिन अच्छा खासा रश होता है उर्स में, और उर्स की तकरीबात में किछौजा शरीफ से हजरात भी तशरीफ लाते हैं, किछौजा शरीफ से हजरात तशरीफ लाते हैं, वो दुआएं करते हैं और लोगों को दुआएं देते हैं, और यहाँ से लोग इस तरह फैज पाते हैं। यहाँ पे हमारे जायरीन अगर आना चाहे तो किस तरीके से आ सकते हैं? यहाँ आना चाहे तो एक तो ट्रेन का रूट है वो नागपुर तक है जी, ट्रेन का रूट नागपुर तक है, और बाय रूट आना चाहे पौनी, अगर लोकेशन डाले जी पौनी महाराष्ट्र जी, तो वो पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ नागपुर से तकरीबन कितने दूर होंगे? नागपुर से तकरीबन 80 किलोमीटर है, और भंडारा से 50 किलोमीटर। और यहाँ पौनी में जो बड़ी दरबार के नाम से फेमस है, उस दरबार शरीफ से इस ये दरबार शरीफ में आने के लिए किस तरीके से आते हैं? वो दरबार शरीफ से ये दरबार शरीफ में आने के लिए रोड क्रॉस करके जो है दुर्गा मंदिर की लोकेशन लेकर जो है आप चांशावली के दरबार में पहुंच जाएंगे। और बड़े दरबार का मामला ऐसा है, आप सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के खालाजाद भाई, और आप चार भाई है जी, चार भाई है। सबसे पहले दूल्हा शाह रहमान गाजी अचलपुर जी, दूसरे नंबर के ये है सैयद अहमद कबीर जी, ममरे शाह शहीद गाजी, तीसरे नंबर के लश्कर शाह शहीद गाजी, और चौथे नंबर आरन में राजस्थान, आरन राजस्थान, हाँ मूसा शहीद गाजी, हाँ चार भाई है आप। ये इनका शजर नसब है जी, इसको भी देख लीजिए, यहीं तक के लेना है ना, बाकी हम लोगों के नाम। तो नाज़िन ये थी ज़ियारत की पूरी वीडियो, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा नाज़िन। और अगर आपने हमारी गिरड़ की और नागपुर सिटी की दरगाह ज़ियारत की वीडियोस नहीं देखी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, बराए मेहरबानी आप लोगों वीडियो ज़रूर देखिएगा। जज़ाकअल्लाह खैर, खुदा हाफ़िज़।
ना